Hi everyone, welcome back to my channel, it's Cooking Station. I hope you all are doing really really good. तो आज है मंडे. आज मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करने जा रही हूँ अपने बहुत सिंपल सा मंडे का रूटीन, लंच रूटीन. बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना, बहुत टाइम से वीडियोज मेरे तो सारे लंबे लंबे हो जाते हैं. तो यस, स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल सब में सबको सेम ही बोलना होता है, मेरा कैमरा पीछे दिख रहा है. यस, तो बेसिकली मंडे का मेरे साथ जो एक्सपीरियंस ये है कि हमारा जो वीकेंड होता है, मतलब लेजी हो जाते हैं ना, कि मंडे हम बहुत हैवी कुकिंग नहीं कर पाते हैं, राइट? कि मतलब ये भी बना लो करके बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली छोला राजमा टाइप. मेरे साथ नहीं होता पर्सनली. अगर आपके साथ भी नहीं होता है तो प्लीज़ डू लेट इन द कॉमेंट सेक्शन. अभी बज रहा है 11:40. आई हैव जस्ट लाइक मंडे की कुकिंग होती है मेरी लंच की. बहुत जल्दी मुझे करना होता है चीज़ें, जल्दी जल्दी निपटाना इज़ लाइक अ मेन टास्क बेसिकली. और 30 मिनट्स में मुझे करना है. तो आज भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, जस्ट नॉर्मल भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी और प्याज की सब्जी. आलू प्याज टमाटर का रायता बनाएंगे. गर्मी के टाइम में रायता इज़ लाइक सबको ही अच्छा लगता है. और नॉर्मल रोटियाँ. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. बहुत ज़्यादा बकर आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे. जो मैंने प्रिपरेशन करके रखी है उसमें सिर्फ और सिर्फ भिंडी काट करके रखी है. भिंडी काट करके रखने का रीज़न ये होता है कि इसमें से बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस निकलती है, फिर भिंडी ना हमारी गिलगिली हो जाती है, राइट? तो मैंने इसको ज़रूर 15 से 20 मिनट पहले काट करके रख दिया था. तब तक मैंने क्लीनिंग वगैरह सारा सब कुछ किया. उतनी देर में क्या हुआ कि भिंडी में बिल्कुल भी ना स्टिकीनेस नहीं है उस तरीके से. अनियन वगैरह काटना है, वो सारा साथ में साथ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम कुकिंग करना, देखते हैं कितनी देर में हमारा ये तीन चीज़ें बन पाती हैं, राइट? सो मैं आपको टाइम दोबारा दिखा दूँ. इट्स 11:40 नाउ, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं अब अनियन पील कर रही हूँ. उसको स्लाइस में हम कट करेंगे, ठीक है? बारीक बारीक थिन थिन स्लाइस कट करेंगे. मीडियम अनियन लिया हुआ है मैंने. भिंडी का मैंने जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है. मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ जा करके, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आई बटन में डाल दूंगी. नॉर्मली मैं ऑयल लेकर के उसमें अजवाइन का तड़का लगाऊंगी, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, और साथ में डालूंगी हींग. और हम कर देंगे अनियन को फ्राई. अनियन को फ्राई होने के लिए रख देंगे इसमें मिर्ची डाल करके. जब तक सब्जी जो अनियन है वो फ्राई हो रही है, तब तक मैं यहाँ पर आटा भी गूंद लूँगी साथ ही साथ में. और मैं आटे को जस्ट नॉर्मल मिक्स करके रख देती हूँ पहले, और एकदम से सारे गुम्मी वगैरह नहीं लगाती हूँ. उससे क्या होता है, जल्दी ही आटा गूंद जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. इस पूरी प्रोसेस को 30 से 40 सेकेंड लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते. और जितनी देर में रेस्ट होता है और ये फूल जाता है अच्छे तरीके से, तो आपका जो टाइम है वो बचता है. तो यस, आटा गूंद के रेडी है. लेट्स चेक द सब्जी. तो अनियन जो है वो फ्राई हो गई है. अभी मैं इसमें क्या करूँगी, यहीं पर डाल दे रही हूँ हल्दी, और हल्दी जिससे कि कच्ची ना रहे. और जब ये हल्दी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे भिंडी, और हमें इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए पकाना है. एक प्याज, एक मीडियम आलू, और सॉरी 2 मीडियम आलू एंड मीडियम टमाटर. आलू मैंने पहले ही बताया था मील प्लानिंग के वीडियो में कि मैं जो आलू होते हैं वो ऑल टाइम अपने फ्रिज में उबले हुए रखती हूँ, जिससे कि एंड टाइम पर आपको ज़रूरत ना पड़े, एकदम से देर ना हो. तो मैं तीनों चीज़ों को बारीक बारीक काट ले रही हूँ. वे सारी सब्जियां कट के रेडी हैं, और मैं इसको जिस बाउल में मुझे रायता बनाना है मैं सेम टाइम पर उसी में ट्रांसफ़र कर दूँगी, किसी की बस दही मिलाना इसमें रह जाएगा. तो ये हो गया है, सब्जी देख लेते हैं हम. हल्का सा फ्राई होगी ये भिंडी. अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और ढककर के फिर से पकने देंगे वही 3 से 4 मिनट के लिए लगभग. और अभी मैं इसमें और कुछ मसाले नहीं डाल रहे हैं, जिससे अनियन सॉल्ट डालने से क्या होगा कि ये चिपकेगी नहीं कढ़ाई में बहुत ज़्यादा, और पक भी जल्दी जाएगी. आगे अब मैं जो रायता, जो मैंने सामान काट करके रखा था रायते के लिए, तो रायता बनाना मैं रेडी कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने ले लिया है दही,
और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, थिक रायता ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी के साथ में। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, तो जीरा पाउडर, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और काला नमक डाल रही हूँ, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, वाइट सॉल्ट देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो डालूंगी, अदरवाइज़ नहीं। अब इस रायते को मैं रख दूंगी फ्रिज में ही, जब खाना होगा तब निकालेंगे, अदरवाइज़ ये रायता है वो हो जाता है खट्टा। और रायता बन करके रेडी है। आटा भी जो मैंने गूंद करके रखा था, अभी मैं इसको सेट कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने इसको मिक्स करके रख दिया था, उसके बाद अब आप इसको ईजिली सेट कर सकते हैं, टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, और आटा मल लिया, अब हम रोटी बनाएंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं, अभी इसमें सिर्फ सॉल्ट डाला है और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर बिल्कुल ग्रीन है, ये हाफ कुक हो चुकी है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, आगे के मसाले। तो आगे के मसाले में कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल धनिया ऐड कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर जो भुना हुआ धनिया होता है वो डाल रही हूँ। उससे ये होगा कि कच्ची सब्जी में अगर मैं बहुत ज़्यादा देर तक धनिया पकाऊँगी तो सब्जी जल जाएगी, तो अगर पका हुआ भुना हुआ डालूँगी तो उसको ज़्यादा पकाने का टेंशन नहीं होगा और कच्चा भी नहीं लगेगा मसाला। तो सब्जी को बस थोड़ी देर के लिए हम ढक कर के और पकने देंगे, और अब हम रेडी करते हैं रोटी बनाना। तो मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन कर लेना है और उसके बाद में रोटियां बनाना हम स्टार्ट करेंगे। और टाइम अभी हुआ है 12 बजने में, 5 मिनट की है देरी। तो बस दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया है रोटी बनने के लिए। रोटी बनाने से पहले मैं क्या करती हूँ, हाथ में घी लगा करके ना थोड़ी सी 3 से 4 लोई तोड़ करके रख लेती हूँ। उससे होता यह है कि एक तो बार बार हाथ में घी नहीं लगाना पड़ता, और विदाउट घी के बहुत इरिटेशन होती है, हाथ ड्राई हो जाते हैं। तो बस, और ये जो बेलन आप देख सकते हैं थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, एक्चुअली मैं 3 टाइम का जब ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरा बना लेती हूँ उसके बाद एक बार ही बेलन क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो लकड़ी होती है उसको बार बार धोना इज़ लाइक, अगर वो सूखता नहीं है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद में ही बेलन को क्लीन करती हूँ। तो रोटी बनाते टाइम मैं ध्यान रखें सब्जी पर, क्योंकि ड्राई सब्जी जो होती है उसको बीच बीच में बहुत बारी मिक्स करना होता है, अदरवाइज़ वो जल जाती है। तो बस इस तरीके से रोटी भी बन करके रेडी है सारी, और इस तरीके से हम सारी रोटियां बना लेंगे। लास्ट में सब्जी बन चुकी है, लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्का सा नींबू, ये ऑप्शनल है, ऐसे थोड़ा सा खटास अच्छी लगती है भिंडी में, तो बस ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, दैट्स इट। और सब्जी बन करके हो गई है रेडी। तो यस, ये है मेरी प्लेट, खाना बन करके रेडी है, और रायता, भिंडी, रोटी, और यह है थोड़ा सा अचार। अचार मुझे कभी कभार खाने में साथ में अच्छा लगता है। तो यस, ये है खाना आज का, लंच मंडे स्पेशल। हाय, तो यस टाइम दिखाती हूँ, 12:05, सॉरी। खाना बन करके रेडी है। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटो था कि सेम टाइम पर एक साथ अगर मैंने 11:40 पर खाना बनाना स्टार्ट किया तो किस तरीके से किचन को मैनेज की जाए, हाउ टू मैनेज द थिंग्स एट द सेम टाइम, ये मेरा इस वीडियो को बनाना मोटो था। मैंने सिर्फ एक भिंडी था जो मैंने आधे घंटे पहले काट करके रखा था, मतलब कढ़ाई गर्म करने से पहले, उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दूसरा, मेरे पास बॉइल्ड आलू पोटैटो रखे थे फ्रिज में, दैट्स इट। उसके बाद उसके अलावा सारा काम एक ही जगह पे किया। आटा मैं फ्रेश ही गूंथती हूँ, मतलब मैं पहले से गूंद करके नहीं रखती हूँ फ्रिज में, तो और वैसे भी गर्मी में ख़राब हो जाता है तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझसे फिर रोटी भी नहीं बेली जाती है, बहुत ज़्यादा खिंचता है वो आटा रबड़ की तरह से। तो सेम टाइम पे किया, बट मैं आलू वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो करके रखा है मैंने। मेरा मील प्लानिंग का वीडियो है, 2 वीडियोस मैं डाली हुई हूँ चैनल पर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो यस, मेरा यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि सेम टाइम पर एक साथ में कैसे काम कर सकते हैं। तो 20 मिनट लगा, 20-25 मिनट आप समझ लो, और उसी बीच में होता है कि जब आप पेरेंट हो अकेले आपको सारी चीज़ें मैनेज करें, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किचन में हो और आपने सिर्फ वही काम किया, नहीं, बच्चे को भी देखना होता है, कभी कुछ काम हो गया कभी कुछ हो गया करके, तो सब कुछ ओवरऑल एवरीथिंग मिला करके टुक मी समवेयर अराउंड 20-25 मिनट्स। खाना बन के रेडी है, बहुत सिंपल सा था, बबट यस, इसी तरीके से आपने अभी 3 चीज़ें रेडी की हैं, आप 4 भी कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम वेरी करता है इधर से उधर, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे काम करने का तरीका, कि मैं इस तरीके से करती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि जब मैं खाना बना रही हूँ उससे पहले एक बार स्लैब क्लीन कर लूँ, ये मेरा एक तरीका है काम करने का।
उससे पहले एक बार स्लैब क्लीन करके एक बारी में सारा सब कुछ करके फिर एक बार में फिर दोबारा से क्लीनिंग करना, उससे ये होता है कि एंड इट इज़ गुड व्हेन यू आर रनिंग लेट, जब आपका काम आपको पता है कि वो चीज़ निपटाना पहले ज़रूरी है रादर देन क्लीनिंग या किसी चीज़ और दूसरी चीज़ पर फोकस करना। तो यस, मैं इस तरीके से करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, मुझे भी भूख लग रही है। तो यस, मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में। आई होप या तो कोई इसी तरीके का रूटीन या फिर कोई सिंगल रेसिपी। इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन और मैं ट्राई करूँगी वो बनाना। तो यस, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग।